राज्यों में चल रहे किसान आंदोलनों के समर्थन में एकता परिषद और साथी संगठन आज महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर जुट रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। प्रार्थना सभा का नेतृत्व प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर एसएन सुब्राव और एकता परिषद के संस्थापक डॉक्टर राजगोपाल करेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, किसानों के समर्थन में यहाँ पर एकता परिषद उतरा है और आज राजघाट पर यहाँ पर सभा की जानी है, वहां पर क्या कुछ होना है इस पूरे आयोजन में? प्रशांत देखिए बरखा, पहले तो आपको बता दूं कि 1 जून से जब से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से जब किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करी है, तो धीरे धीरे वो जो चिंगारी है पूरे देश की तरफ बढ़ती जा रही है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान अभी भी परेशान है और एक आम सहमति के द्वारा 16 जून को देशव्यापी यानी कहेंगे पूरे देश के अंदर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हड़ताल करी जाएगी, आंदोलन करा जाएगा किसानों के द्वारा। अगर आज की बात करें तो एकता परिषद और जो साथी संगठन है जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें मजदूर किसान संघ हो या अन्य संघ हो, उन सभी ने आज एकत्रित होने का फैसला किया है। राजघाट पर आज ये लोग सब प्रार्थना सभा के लिए मिलेंगे, जिसकी अध्यक्षता मशहूर गांधीवादी या कहें कि गांधीवाद विचारक एसएन सुब्बाराव जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये सभी लोग मिलेंगे और आगे की रणनीति को तय कराया जाएगा। किसानों की जो मांगे हैं बरखा, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पर किसान जो उनका जो ब्याज दर है और जो कर्ज सरकार से लिया गया है उसको माफ करने की जो मांगे हैं वो किसानों की हैं। साथ ही साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी थी कि जब बीजेपी सरकार में आएगी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, उसके समर्थन में भी किसान यहाँ पर आंदोलन करेंगे और सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को किसानों के लिए लागू किया जा सके, जिससे कि जो ब्याज है और जो कर्ज है उसमें उनको माफी मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है प्रार्थना सभा के जरिए कि जो भी उनकी मांगे हैं वो सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाई जा सके।